हाय एवरीवन तो टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस पीलिंग एंड एक्सफोलिएटिंग फूड मास्क जो कि ल्यूक्स डर्मा ड्रेमा करके ब्रांड से आ जाता है ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आ जाता है एंड बाकी जो वीडियो है मैं वो आपको बैक कैमरा से दिखाऊंगी थोड़ा सा इंट्रो मैंने ऐसे शूट कर लिया है सो बेसिकली ये समथिंग छह सौ का आता है मैंने अमेजोन से लिया है लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीछे सारी डिटेल्स दी गई है एनिमल पे टेस्ट नहीं करता है सो इट्स अ क्रुअल्टी फ्री ब्रांड होता है इसमें दो सॉक्स होते हैं वो पैरों में आपको पहन के तीन से चार घंटा रखना होता है बाकी का प्रोसेस हम पैक हम्रा से देखेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टिंग हम ये जो है पैक यूज करने वाले हैं आज एंड ये फोर्टी एम एल है फॉर ऑल स्किन टाइप सो बेसिकली आपको क्या करना है कि पहले आपको इसको क्लीन कर देना है फिर ये जो है इसमें सॉक्स इसको रिमूव करना है और 90 मिनट से वन मिनट्स तक इसको पैरों में रखना है तो ओपन दिस ये सबसे पहले तो ना मैं आपको अपने पैरों की कंडीशन दिखा देती हूँ सो दिस इज़ माय लेग कंडीशन एज यू कैन सी इट्स वेरी ड्राई ठीक है तो बहुत ज़्यादा ड्राई है मेरी ना स्किन ऑलरेडी बहुत ड्राई है और स्पेशली पैर की जो स्किन है एज यू कैन सी बहुत बुरा हाल हो के रखा है मेरे पैरों का लेक को ओपन करते हो ना ये कुछ इस तरीके का आ जाता है सॉक्स टाइप में आएगा सो तो बेसिकली ये प्लास्टिक टाइप का सॉक्स है ठीक है एंड या यहाँ से ये जो है ओपन अप हो जाता है तो ये ऑलरेडी कटा हुआ ही आया है गेस हाँ कटा हुआ ही आया है सो so, बेसिकली यहाँ पे ना ये सील्ड है ताकि इसके अंदर जो भी जेल है ना वो बाहर ना निकले तो ये वाला एरिया को आपको काटना है ताकि आप इसको वेयर कर पाओ जैसा है हाँ, कुछ अंदर जैसा होता है बेटा और से ये कर लेना है स्टिकर जैसा होता है स्टिकर यहाँ से हम रिमूव करेंगे ठीक है और इसको ऐसे लगा देंगे तो ये इस तरीके से स्टिक हो जाएगा और अब इसको चार घंटे के लिए छोड़ देना है दूसरा पैर भी कर लेंगे इसी तरीके से इसे कम से कम जो है चार घंटे के लिए रहने देना है हमने तो तीन से चार घंटे हम इसे पैरों में रखेंगे Ayy. Ayy. ये न, तीन साढ़े तीन घंटे हो गए तो हम इसको रिमूव कर देंगे सी. ओ. तो यू कैन सी? ये जो है स्किन कुछ इस तरह की लग रही है अभी अभी इट्स वेरी नॉर्मल अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो हमें अभी दोनों पैरों को अच्छे से पानी से धो लेना है ठंडे पानी से और नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से और फिर चार पांच दिन वेट करते हैं देखते हैं कुछ स्किन वगैरह निकलती है या नहीं निकलती है सो so, यहाँ yeah. तो तकरीबन ये तीसरे दिन मैंने शूट किया था तीन दिन हो गए थे ऑलमोस्ट एंड uh, ये जो है आप देख रहे हो हल्की हल्की सी एकदम बारीक सी स्किन निकल रही थी बहुत ज़्यादा नहीं स्टार्ट में आपको ऐसा लगेगा कि इस प्रोडक्ट ने वर्क ही नहीं किया है बट एक्चुअल वर्क ये यू uh, नो you know, उसको लगता है आठ से पंद्रह दिन तो इस तरीके से स्टार्टिंग में मुझे निकालना पड़ रहा था ऊपर की स्किन निकल रही थी फुट की और सोल की स्किन उतनी ज़्यादा तभी तक निकलना स्टार्ट नहीं हुई थी अच्छा इस पर जब आप गर्म पानी डालते हो ना तीन से चार दिन बाद तब ये ज़्यादा असरदार होता है तो जब मैं नहाने गई उसके बाद बहुत ज़्यादा स्किन निकलने लगी थी अभी स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं निकल रहा था तो दिस इज़ द थर्ड डे और बहुत छोटे छोटे स्किन के टुकड़े निकल रहे थे एक्चुअली सो दिस इज़ डे फिफ्थ पाँच दिनों तक ना बस ऊपर की स्किन निकलती रही है बट फिफ डे के बाद एज यू कैन सी ये ये भी निकलना स्टार्ट हो गया uh, ये ज़्यादा इफेक्टिवली तब होता है जब आप ना गर्म पानी अगर पैर पर डालते हो ना तो ये झट से स्किन निकलने लगती है uh, अभी मैं इसे खींचूँगी नहीं आई थिंक इसको टाइम लगेगा बट यहाँ मेरे बहुत बुरे वाले क्रैक हेल थे ये सॉट हो गए ना तो इट्स वेरी गुड एज यू कैन सी फिंगर्स के बीच बीच में से भी निकल रहे हैं कैमरा को मैं ऐसे करके दिखाती हूँ पेनफुल तो नहीं है बट स्किन निकल रही है काफ़ी ज्यादा तकरीबन तेरह से चौदह दिन रखे थे ये पूरी स्किन निकलने के लिए उसके बाद मेरी हील काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी तो यस ये वर्क करता है बाद के क्लिप्स में ले नहीं पाई थी बट हाँ इट एक्चुअली वर्क्स पूरी स्किन निकल जाती है एंड पैर काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं